वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाता है तब फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी इन है। मतलब आपको तो पता होगा ग्रेड पे 1900, 2400, 2800 ऐसे करके ग्रेड पे आया है, लेकिन उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी इन हैंड वो आपको मैं इस वीडियो में कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 1900 ग्रेड पे के हिसाब से आपको कितना सैलरी मिलेगा, 2400 ग्रेड पे के हिसाब से कितना मिलेगा। तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा कम्प्लीटली करके दिखाऊंगा, कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको कम समय में जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा ये सुपर शॉर्ट नोट्स वाला पीडीएफ एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें सब कुछ बहुत ही शॉर्ट करके लिखा गया है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारा कुछ टॉपिक वाइज सीक्वेंस में दिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा सुपर शॉर्ट नोट्स है। अगर कम समय में आपको प्रिपरेशन करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसमें आप सारे मेजर टॉपिक्स को कवर किया गया है लगभग। इसे पढ़ के समझिए आपका ओवरऑल सारे मेजर टॉपिक्स लगभग कवर हो जाएगा एक ही बार में। तो इसको एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस है, उसके बाद पॉलिटी है। अगर आपको इन सभी में से किसी का अगर आपको ट्राई करना तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1900 ग्रेड पे के हिसाब से। 1900 का ग्रेड पे का जॉब आता है आपको पता है एसएससी सीएचएसएल के अंडर में। तो सबसे पहले हम 1900 ग्रेड पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखिए बेसिक पे आपका 19000 के आसपास सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आप देखिए एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। तो ये समझ लीजिए कि ये क्या है कि एक्स सिटी होगी आपका जो मेजर टाउन्स है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसे करके, और वाई सिटी हो गया उससे छोटा जैसे कि सिटी कैपिटल्स हो गए रांची, पटना। और उसके बाद जो जेड सिटी हो गया वो नॉर्मल कोई भी टाउन हो जाता है, छोटा मोटा टाउन, उसको हम जेड सिटी में काउंट करते हैं। तो हर जगह आपका थोड़ा अंतर होता है मतलब सैलरी में, तो वही यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए देखिए हम मान लेते हैं कि एक्स सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपका दिल्ली में हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद होता है कि हायर टीपीटीए सिटीज़ में ये काउंट होता है, और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टोटल यहाँ पर आ गया 32,600 के अराउंड आ गया। इतना सैलरी आपका मंथली बनेगा। और उसके बाद इसमें भी आपको क्या करना है कि 10% डिडक्ट कर देना है, क्योंकि 10% आपका जो पीए वगैरह होता है उसमें कट जाता है। तो इसमें अगर आप 10% डिडक्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा लगभग आपका 3,200 के आसपास। तो वही लगभग ये आपका बचेगा 29,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। तो अगर आपका 1900 ग्रेड पे वाले पोस्ट में अगर सिलेक्शन हुआ है वो भी एक्स सिटी में, तो लगभग समझिए कि आपका सैलरी बनेगा 29,000 के अराउंड। और एक चीज़ गौर करिए कि अब जो है वो आपका डीए 28% हो चुका है, इसी के लिए सैलरी हाइक हुआ है। पहले ये डीए कम था, इस अब ये बढ़ चुका है, इसीलिए सैलरी भी बढ़ गया है। डीए 28% हो गया है। डीए मतलब जो आपका महंगाई भत्ता होता है वो। तो ओवरऑल अगर आपका 1900 ग्रेड पे अगर सिलेक्शन होता है एक्स सिटी में मतलब किसी दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर में, तो आपको मिलेगा लगभग 29,000 के अराउंड। अब ये तो देख लिया आपने कि अगर आपका एक्स सिटी में सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद हम वाई सिटी में अगर देखें तो इसे हम कर देंगे अदर सिटी में, कर देते हैं उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। देखिए अदर सिटी में करते हैं तो देखिए इसमें क्या आया आपका 30,224 के आसपास आ रहा है, मतलब 30,000 के अराउंड आपकी सैलरी आ रही है नेट सैलरी। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, इसमें 10% डिडक्ट कर दीजिए, यानी कि 3,000 अगर आप इसमें डिडक्ट कर दीजिएगा तो रफली 27,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड, मतलब आपके अकाउंट में 27,000 के आसपास आएगा। अगर आपका 1900 ग्रेड पे वाले पोस्ट में ही होता है और उसमें भी आपको अगर वाई सिटी मिलता है तब लगभग आपकी सैलरी कितनी होगी, 27,000 के अराउंड होगी, क्योंकि इसमें 10% आप डिडक्ट कर लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका अगर जेड सिटी में होता है, जेड सिटी मतलब किसी छोटे मोटे शहर में अगर होता है आपका सिलेक्शन, तब आपको कितना मिलेगा। तो इसमें भी अदर सिटीज़ कर देते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, 28,424, यानी कि 28,500 के आसपास आ रहा है। इसमें भी आप 10% रफली माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग 3,000 के आसपास से माइनस कर ली तो यानी 26,000 रुपये के आसपास आपका इसमें सैलरी बनेगा। तो अगर आपका 1900 ग्रेड पे वाला में ही सिलेक्शन हुआ है बट किसी छोटे शहर में हुआ है आपका पोस्टिंग, तो आपको लगभग 26,000 रुपये के आसपास मिलेगा। ये न्यू सैलरी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने देख लिया कि 1900 ग्रेड पे में आपका कितना सैलरी बनेगा एक्स, वाई और जेड सिटी के हिसाब से। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जो अगला है वो है 2400 ग्रेड पे। देखिए 2400 ग्रेड पे को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। 2400 ग्रेड पे के हिसाब से अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्स सिटी, एक्स सिटी में कितना होगा वो देखते हैं। 2400 ग्रेड पे के हिसाब से अगर आपका होता है सिलेक्शन तो देखिए सब तो आपका जो नेट सैलरी बन रहा है वो आपका बन रहा है 44,000 के अराउंड, 44,000 के अराउंड आपका सैलरी बन रहा है। उसके बाद इसमें भी आप 10% आप माइनस कर लीजिए, डिडक्ट कर लीजिए इसमें, तो लगभग आपका 4,500 रुपये के आसपास आप माइनस कर लीजिए तो लगभग आपका 40,000 रुपये बचता है। यानी कि अगर आपका 2400 ग्रेड पे वाले में अगर आपका सिलेक्शन होता है वो भी किसी एक्स सिटी में आपको पोस्टिंग मिलता है बड़े शहर में,
दिल्ली मुंबई ऐसे में, तब आपका जो सैलरी होगा वो लगभग 40,000 के अराउंड होगा, मतलब 40,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आएगा 40,000 रुपये के आसपास। ये था अगर आपका 2400 ग्रेड पे में सिलेक्शन होता है और वो भी एक सिटी में। अब चलिए देखते हैं वाई सिटी में। अगर वाई सिटी में होता है तो आपका जो सैलरी बनेगा वो लगभग 39,500 के आसपास बन रहा है, नेट सैलरी है। फिर इसमें आप 10% डिडक्ट कर लीजिए जो पीए वगैरह के लिए कटता है, तो इसमें अगर आप 10% डिडक्ट करिएगा तो लगभग ये 36,000 के आसपास आपका बनेगा। तो 36,000 आपको नेट सैलरी आपके हाथ में मिलेगा अगर आपका 2400 ग्रेड पे में सिलेक्शन होता है और वो भी वाई सिटी में अगर होता है पोस्टिंग तब। तो ये देख लिया आपने। अब हम देखते हैं जेड सिटी, अगर आपका जेड सिटी में सिलेक्शन होता है तब क्या होगा। अगर जेड सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लगभग आपका जो सैलरी बनेगा नेट सैलरी वो होगा 37,000 के अराउंड, 37,000। अब इसमें भी ये 37,000 है, लेकिन अब इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको 10% माइनस कर देना है अपना, जैसे कि बाकी सब में किया था वो पीए वगैरह कटता है उसके लिए। तो इसमें भी अगर आप 10% माइनस करिएगा तो लगभग ये समझ जाइए कि 4,000 के अराउंड इसे माइनस कर दीजिए, तो वही लगभग आपका बचेगा 33,000 के अराउंड इसका सैलरी बचेगा। तो रफली एक तरह से मान लीजिए कि अगर आपका 2400 ग्रेड पे में होता है और वो भी जेड सिटी में, तो समझ जाइए आपका लगभग 33,000 के अराउंड आपका सैलरी होगा, मतलब आपको इनहैंड सैलरी इतना मिलेगा। अब लास्ट देखिए, लास्ट है 2800 ग्रेड पे। अब 2800 ग्रेड पे का केवल एक ही पोस्ट था आपका SSC CHSL 2020 में, मतलब तीन पोस्ट था, उसमें से दो रिजर्व था एक अनरिजर्व था, तो एक ही पोस्ट मान के चलते हैं। तो उसमें कितना सैलरी बनता वो देखते हैं। 2800 ग्रेड पे में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो देखिए कितना उसका सैलरी बनेगा। अगर एक्स सिटी में अगर हम करते हैं तो लगभग आपका 49,800, मतलब 50,000 के अराउंड आपका सैलरी बन रहा है। अब इसमें भी अगर आप 10% माइनस कर लीजिएगा तो 45,000 के अराउंड आपका सैलरी बनेगा अगर आपका 2800 ग्रेड पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तब। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका वाई सिटी में अगर पोस्टिंग होता है तब कितना बनेगा। वाई सिटी में अगर पोस्टिंग होगा तो लगभग आपका 45,000 के अराउंड आपका सैलरी बन रहा है। 45,000 में भी अगर आप माइनस कर लेते हो 10% तो लगभग आपका वही 40,000 के अराउंड आपका सैलरी बचेगा, आपके अकाउंट में आएगा। मतलब अगर 2800 ग्रेड पे अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी वाई सिटी में तब आपका 40,000 आपका सैलरी बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जेड सिटी की, तो जेड सिटी में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 42,000 के आसपास आपका सैलरी बन रहा है। और 42,000 में भी अगर आप माइनस कर लीजिएगा आप इसका 10%, तो लगभग 38,000 के अराउंड आपका सैलरी आपको मिलेगा अगर आपका 2800 ग्रेड पे में सिलेक्शन होता है और किसी छोटे शहर में होता है तब। ये आपने देख लिया कि 1900, 2400 और 2800 के हिसाब से कितना कितना सैलरी बनेगा। तो आपका जिसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा उसके हिसाब से आप इसमें देख लीजिएगा कि आपके ग्रेड पे के हिसाब से कितना सैलरी बन रहा है। और आपको जैसे मैंने बोला कि डीए जब से ये बढ़ा है, 28% हो गया डीए, तब से ये सैलरी हाइक हुआ है। और इसमें आप डेट भी देख सकते हैं कि 28% डीए फ्रॉम जुलाई 2021 को ये हुआ है। तो ये आपने देख लिया कि सैलरी बढ़ने के बाद अब कितना हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा बनाते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि